जिनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं वो लंबी लंबी फेंक रहे, जिनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं वो लंबी लंबी फेंक रहे। और बचपन में जिस स्टेशन पे चाय बेचा करते थे बुढ़ापे में उसी स्टेशन को बेच रहे। जितने पैसे में दो सिलेंडर मिलता था उतने पैसे में एक सिलेंडर मिल रहा है। और जो फूल खुशबू नहीं देता है वो कीचड़ में खिल रहा है, जो फूल खुशबू देता है मुरझा के मिट्टी में मिल रहा है। आदमी पढ़ाई पत्नी से खुले आम अपनी पत्नी से चुप चुप के मिल रहा है, पढ़ाई पत्नी से खुले आम अपनी पत्नी से चुप चुप के मिल रहा है। इनके काम इनका अच्छा है, नाम बताओ आप नहीं दो। हमारा नाम सुन लीजिए, काम अच्छा है। अच्छा आप वोट डाल के आए कि नहीं? हाँ ये देखिए। आपने क्या सोच के वोट डाला? हमने इसलिए डाला है कि सरकार यही रहनी चाहिए। दादा की पेंशन बंद हो जाएगी, सरकारी पेंशन आना बंद हो जाएगी। दादा सच नहीं बोल सकते, सच हम लोग बोल सकते हैं, सच हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग सरकारी पैसा नहीं खा रहे, दादा सरकारी पैसा खा रहे। अगर ये सच बोल देंगे मीडिया के चालू तो हो जाएंगे तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। सच हम लोग बोल सकते हैं, ये सरकार नहीं दोबारा आना चाहिए। सरकार जालिम सरकार है, ये अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। आपका नाम क्या? वोट डाला है? हाँ वोट डालिए, उंगली दिखाइए। ये क्या सोच के वोट डाला है आज? क्या सोच के वोट डाला है? अरे यही है कि जो है जो गुनाहगार है जो क्राइम करने वाले हैं उनको हटाना है। जो जो मतलब ईमानदार रहा है उनको लाना है, जो गुनाहगार है उनको हटाना है। अभी 5 साल सरकार रही बढ़िया काम रहा के उसे चेंज चाह रहे कहा है साहब? जितने पैसे में दो सिलेंडर मिल जाता था उतने पैसे में एक सिलेंडर मिल रहा है, जितने पैसे में दो सिलेंडर मिलता था उतने पैसे में एक सिलेंडर मिल रहा है। और जो फूल खुशबू नहीं देता है वो कीचड़ में खिल रहा है, जो फूल खुशबू देता है मुरझा के मिट्टी में मिल रहा है। आदमी पढ़ाई पत्नी से खुले आम अपनी पत्नी से चुप चुप के मिल रहा है, पढ़ाई पत्नी से खुले आम अपनी पत्नी से चुप चुप के मिल रहा है। और जो जरूरत से ज्यादा कर्जीदार है, जब सब तरफ सन्नाटा तो घर से निकल रहा। हाँ ये सच्चाई है। शायरी बड़ी अच्छी कर, एक मिनट। नहीं शायरी में कभी हूँ साहब। हाँ हाँ और क्या, जमीर जिंदा है तो माँ से मिलने घर क्यों नहीं चले जाते? जमीर जिंदा है तो माँ से मिलने घर क्यों नहीं चले जाते? अरे पढ़ाई पत्नी के चक्कर में पड़े हो, अपने घर वाली को गले क्यों नहीं लगाते? जमीर तो माँ से मिलने घर क्यों नहीं चले जाते? हाँ मोदी जी के लिए इतना गुस्सा किस लिए आप? अरे मोदी किसी का हमारा गुस्सा नहीं ना साहब। हाँ हम तो सच्चाई बताते। हाँ हाँ खुद की नारी फिरती मारी मारी, खुद की नारी फिरती मारी मारी और दिल में बस गई स्मृति ईरानी। खुद की नारी फिरती मारी मारी दिल में बसी स्मृति ईरानी। हाँ 14 साल की उम्र में अपनी सगी माँ का सारा जेवर लेके फरार, बुढ़ापे में बता रहा अपने आप को चौकीदार। हाँ ये कैसे हो सकता है यार? हाँ पत्नी का प्यार मिला नहीं गर्लफ्रेंड की राहें देख रहे, पत्नी का प्यार मिला नहीं गर्लफ्रेंड की राहें देख रहे। और जिनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं वो लंबी लंबी फेंक रहे, जिनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं वो लंबी लंबी फेंक रहे। और बचपन में जिस स्टेशन पे चाय बेचा करते थे बुढ़ापे में उसी स्टेशन बेच रहे। पत्नी का प्यार मिला नहीं गर्लफ्रेंड की राहें देख रहे। वोट डाला है आप है ना? जी जी साहब। ठीक है और भी लोग हैं, आपका नाम क्या है बताइए? सुजीत कुमार गुप्ता। वोट डाल के आए हैं आप? नहीं जो वोट नहीं रहे, वोट इसमें लामी नहीं है, कहां डाले वोट? वोट कट गया। अच्छा जो लोग अभी बात कर रहे थे भैया से, तो किस लिए नाम कट गया? इधर आ गया दोनों, कहां गए आओ तुम्हें अभी? अरे नहीं नहीं आपका नाम कट गया क्या? नहीं अगले साल था नाम, अब कितना नाम ही कट गया? नाम कट गया, नाम कट गया। और क्या कह रहे हैं? सरकार किसी, एक सेकंड, सरकार किसी की भी बने कम से कम महंगाई को रोका जाए। महंगाई बहुत हो गया है, जिस मकान का टैक्स 250-250 रुपए सालाना आता था अब 1800-2000 रुपए आ रहा है। एक पता चले जो गरीब आदमी नहीं देना चाहिए उसका पता है ब्याज से आज भी जोड़ के आ रहा है, बताइए कहाँ से आदमी भर के देगा पैसा? हम वोट दे के आए हैं और जिसकी भी सरकार बने वो महंगाई को रोके, जिसकी भी सरकार बने मैं ये चाहता हूँ। महंगाई गैस पेट्रोल डीजल ये सारे बहुत महंगा, तेल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है और गैस महंगा है, सब महंगा है सारे सामान। अयोध्या फैजाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा माहौल आपको क्या लग रहा है? लोग चेंज चाह रहे हैं? चेंज तो चाह ही रहे क्योंकि यहाँ इनसे बहुत परेशान हो चुकी है जनता। पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, अब वो वापस गोरखपुर चले गए, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? गोरखपुर जाना ही था, क्या कह रहे हो? उनको गोरखपुर जाना ही था इसलिए यहाँ से उनको जीतना नहीं है, हर हाल में उनको हारना है यहाँ से। जनता पब्लिक, हर पब्लिक कहती है कि वो योगीनाथ यहाँ से भाग जाए और यहाँ से सभा को जिताया जाए। यहाँ अखिलेश आए, यहाँ की जनता चाह रही है कि अखिलेश फिर से वापसी आए यहाँ पर। आप वोट डाल गए सर? जी। क्या सोच के वोट डाला है? हम तो महंगाई कम करने के लिए कि महंगाई कम हो जाए, महंगाई पे कुछ लगाम लगे हर चीज पे, महंगाई कड़वा तेल पे और गैस पे बहुत ज्यादा वो बढ़ा है। हम बच्चों का वो
पालन पोषण करते हैं, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से। इसीलिए मैं जो है वोट डाल सकता हूँ कि महंगाई कम हो और जो अच्छा चला सके देश वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो कुछ और लोगों से हम चाहेंगे कि चर्चा हो जाए। तुम तो वोट डाल के नहीं आए होगे अभी? नहीं नहीं, हमारा वोट नहीं। कितनी साल है? 18 साल का हूँ। चलो ठीक है, कुछ और लोगों से करते हैं। आपका नाम क्या है सर? भैया मेरा यहाँ वोट ही नहीं, मैं बाहर का रहने वाला। अच्छा, यहाँ का वोट नहीं, बाहर का? तो यहाँ घूमने आए हैं आप? नहीं, यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। काम करते हैं, तो फिर भी माहौल समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है? माहौल तो दोनों का हमें सही समझ में आ रहा है। अच्छा, लोग चेंज भी चाह रहे हैं? हाँ, चेंज भी, मतलब दोनों पक्ष को वोट मिल रहा है। जो हम घूम के टहल रहे हैं बेकार है। कुछ वहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम आसिफा खान। वोट डाला है आप? अच्छा, क्या सोच के वोट डाला आज आपने? वोट हमने अखिलेश को डाला है, कुछ सोचा नहीं, इसलिए हम सफाई हैं आज से नहीं, बहुत दिन से। अच्छा, ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि योगी जी कहते हैं कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, तो दो बार मुसलमान दे के नाश्ता खा चुके हैं। अब की बार अगर सुधर जाए तो ठीक है, यही सोच के वोट डाला है। अच्छा, इसी, कोई बात नहीं। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ डाला है आपने? इतनी सरकार आई मायावती की, कांग्रेस की, हर सरकार में इतना इंसान की इतनी बेइज्जती नहीं हुई, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, हर आदमी मारा गया इसमें। कोई आदमी ऐसा रहा नहीं कि मारा नहीं गया। जातिवाद बहुत है, जी। राम मंदिर का मुद्दा आया तब से कुछ दिक्कत? राम मंदिर का मुद्दा आया, सरकार ने उस मुद्दे को किया, कोई मुसलमान बोला बताइए? कोई बोला? नहीं बोला, मतलब शांत रहे, उनका साथ दिया, आप ये कह रहे हो? हाँ, कोई बोले नहीं। यहाँ ये हिंदू लड़के खड़े, पूछ लीजिए, कोई आदमी कोई बात की इस मंदिर के बारे में? कोई नहीं बोला ना, शांत रहा माला, ये कह रहे हो आप? एकदम शांत रहा, कोई आदमी कुछ नहीं बोला। अब आप चाह रहे हो कि ये जो 5 साल सरकार है, अब इसका चेंज होना? जी, योगी की जगह चाहे कोई और उन्हीं की पार्टी का बैठे, लेकिन योगी ना बैठे, उनके बहुत बदतमीजी के जवान निकलते हैं ना, कब्र से मुसलमान की औरत को खोद के उनके साथ बलात्कार करो, ये मुख्यमंत्री है बताइए? बयान आए हैं कुछ लोगों ने, दिया, हम खुद सुनने वाले हैं मोबाइल पे। और एक मुसलमान अगर मरे, हिंदू मरे, तो उनके 100 हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, रिपोर्ट ना लिखो, हम सुनने वाले हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इसका डर भी है लोगों में? जी बिल्कुल है। मारे नहीं गए क्या? फैजाबाद में नहीं मारे गए, और जगह दलित नहीं मारे गए, ठाकुर नहीं मारे गए, बाबर नहीं मारे गए, मुसलमानों की तो छोड़ दीजिए। अभी एक आ रहा है मोबाइल पे, उस लड़के की देखिए दाढ़ी वाढ़ी नोच ली, ने यहाँ का बाल पूरा नुच गया, अभी हमने देखा है। आपको लग रहा है इस सरकार में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ज्यादा? जी, इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई, लड़कियों की बेइज्जती बहुत हुई इस सरकार में, कम हुई? आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो ज्यादा जानते होंगे। बिल्कुल, मैं आपसे इसीलिए चर्चा कर रहा हूं, सब लोगों से चर्चा कर रहा हूं। आप ज्यादा जानते होंगे ना, लेकिन इस बात को दिखाइएगा जरूर, ये बात हमारी सुन लीजिए। आपकी पूरी बात, हाँ बिल्कुल दिखाइएगा। मंदिर मस्जिद की तो ऐसी भी तैसी कोई बात नहीं, हर आदमी अपनी अपनी जगह इबादत करेगा, ठीक है? कोई के दिल से मंदिर मस्जिद नहीं। कुछ और लोग हैं, आपका नाम क्या है? आप नहीं बोलेंगे। काम इनका अच्छा है, नाम बताओ आपने? हमारा नाम मोहम्मद, सुन लीजिए, काम अच्छा है। जो लेटरिंग करने जाती थी औरतें गांव में, शौचालय बनवा दिया, राशन फ्री दे रहे हैं, हैं? 6 लाख 2.5 लाख दे के एक ईंट नहीं रखवा पाए, गांव गांव में घर बनवा दिया, समझे? बस। अच्छा, आप वोट डाल के आए कि नहीं? हाँ, ये देखिए। तो क्या, आपने क्या सोच के वोट डाला? हमने इसलिए डाला है कि सरकार यही रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए। आप यहाँ पे सबने बात, हाँ, आपने बात सुनी सबकी, हाँ, जो कह रहे हैं कि मुस्लिमों पे बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अरे कर रहे, सुनो ना, हाँ, वो सब कह रहे हैं मुस्लिमों में बहुत सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं, तो आप इनसे सहमत नहीं है क्या? नहीं, हम नहीं, आप योगी जी को पसंद कर रहे हैं? योगी जी डबल इंजन की सरकार। आपका नाम क्या है? चंदन। चंदन वोट डाल के आए? हाँ, वोट डाल के, डबल इंजन सरकार। अच्छा, तो ये बात बताइए, हाँ, कि जो सारी बातें आपने सुनी यहाँ पे, जो कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ बहुत सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं, मैंने भी बताया, तो इस बात में कितनी सहमति है? दादा पूछे, दादा बताएं, दादा से क्या बताएंगे, तुम बताओ ना। दादा की पेंशन बंद हो जाएगी? दादा नहीं बोल सकते, दादा की पेंशन बंद हो जाएगी, सरकारी पेंशन आना बंद हो जाएगी, इसलिए दादा सच नहीं बोल सकते, सच हम लोग बोल सकते हैं, सच हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग सरकारी पैसा नहीं खा रहे हैं, दादा सरकारी पैसा खा रहे हैं, अगर ये सच बोल देंगे, मीडिया के जागरूक हो जाएंगे, तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी, सच हम लोग बोल सकते हैं, ये सरकार नहीं दोबारा आना चाहिए, सरकार ये जालिम सरकार है ये।
अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। अभी वोट डाला नहीं, वोट डालेंगे साइकिल पे ही डालेंगे और अपने भाइयों को बताएंगे साइकिल पे ही वोट डालिए। दादा क्या समझेंगे, इनकी पेंशन बंद हो जाएंगे, कितने डालेंगे कितने नहीं ये बताएंगे। सरकारी पेंशन मिलेगी क्या? भाजपा में डालेंगे, ये भाजपा में डालेंगे, भाजपा को जाएंगे, भाजपा को जाएंगे। हाँ क्या वो गाना गाना माना गाते हैं? हाँ गाना गा रहे हैं, गाना। चलो ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि दोनों तरीके के लोग मिले, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाली कुछ शुरू में स्टार्टिंग में लोग मिले थे और वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में कुछ नमक दिया आगे गल्ले चार में नमक खराब हो गया। क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं जो इन्होंने अभी तक अनाज बांटे हैं उसमें कोई अनाज सही बांटा हो बताइए हमको। नमक दे रहे हैं, नमक के अंदर कंकड़ और पत्थर निकल रहा है। अच्छा मिलावट है उसमें जी। और गेहूं दे रहे हैं, गेहूं भी कोई सही थोड़ी ना है। गेहूं जहाँ रखा हुआ जाके देखिए वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं। 5 किलो राशन से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है जी 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 समाजवादी पार्टी। 5 किलो राशन से किसी का भला नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी और रोजगार किसी को मिला नहीं है। सन 2017 से जबकि इनकी सरकार बनी हुई है तब से सारे युवा पढ़ाई शिक्षा सब चीज़ एकदम खराब हो चुकी है। इस वजह से अब की ये सोचा गया है कि हम नई सरकार लाने का प्रस्ताव करेंगे। ठीक है, तो आपने पूरी बात सुनी और आप खुद निर्णय कीजिए कि यहाँ से क्या माहौल रहने वाला है। बिल्कुल फैजाबाद के बिल्कुल सेंट्रल में और यहाँ पर ही अभी वोटिंग चल रही है। ये लोग कुछ लोग वोट डाल के आए हैं, कुछ लोग नहीं। हम लोग भी वोट डाल के चले आए हैं, हम लोग भी वोट डाल के। अब युवा नौजवान सब जाग उठे हैं। किसको समझना है, किसको जागना है, सब जाग उठे हैं। सब एकदम पहचान गए हैं कि इस योगी सरकार में कुछ नहीं होने वाला है और आने वाले 24 में भी जैसे इस समय लहर चल रही है। लहर क्या, सुनामी चल रही है, सुनामी चल रही है अखिलेश यादव की। अब इस समय सन 2024 में आने वाला चुनाव में भी हम उनको भी बता देंगे कि उसमें हमें उस समय क्या करना है। बात करते हैं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमको मुस्लिम बहनें जानती हैं, हमको मुस्लिम बहनों का वोट चाहिए। योगी जी कहते हैं हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। बताओ कौन दिल से आदमी वोट देगा? अगर हम देंगे भी तभी भी तो नहीं आदमी मानेगा कि हमने वोट दिया है। ये सही है कि गलत? अच्छा आप ये कह रहे हो अगर हम वोट देते भी हैं तभी भी आदमी नहीं मानेगा। 2 बार मुसलमानों ने वोट दिया, यही खुल के वोट दिया, बता के वोट दिया। अभी भी कुछ मुसलमान हैं वोट देने वाले। अच्छा और क्या, हमारे अयोध्या विधानसभा में योगी को जिससे हम लोग लेके आए थे, इस समय फिर से हम जो है नई सरकार लेने आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। इस समय हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी इंडिया में भारत में जो भी बेरोजगार हैं वो रोजगार खत्म हो और सारे शिक्षा पढ़ाई लिखाई सब ये सब दुरुस्त हो। जल्दी जल्दी बात कह दीजिए खत्म। अगर ये अच्छी सरकार होती तो आज फिर मैं वोट भाई भाजपा को देता। अच्छा। मगर ये सरकार अच्छी नहीं है। हाँ। इसी वजह से मैं इनको वोट नहीं दे रहा हूँ। प्रयास किया और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आदमी सिर्फ कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके का माहौल था और कहीं ना कहीं सपा के समर्थन में कुछ लोग ज़्यादा हैं, भाजपा के समर्थन में भी इस एरिया में लोग थे, तो सब ने अपना अपने भी बात रखी।